नमस्कार मित्रों, साधकों, भक्तों और मेरे गुरुजनों, मंत्रों की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे मेल आए थे जिसमें यह पूछा गया कि भक्ति, साधना और पूजा पाठ, हमको इसमें से क्या करना चाहिए। बहुत सारे मेल थे, मिलते जुलते प्रश्न हैं। तो देखिए, एक ही बात बता देता हूँ मैं, यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आरती वगैरह कर सकते हैं, हवन यज्ञ जो भी आपको करना है आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और महीनों में आपको एक बार जो श्री सत्यनारायण की कथा है वह आपको बिल्कुल करवा लेना चाहिए। पूर्णिमा के रोज़ करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या ग्यारस के रोज़ करवाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बात की जाए भक्ति की, तो समर्पण ही, पूरा समर्पण अपना भक्ति कहलाता है। वो कैसे हो सकता है? आत्मा का परमात्मा के प्रति हो सकता है, या किसी व्यक्ति का समाज के प्रति हो सकता है, शिष्य का गुरु के प्रति हो सकता है, या जो एक भक्त है उसका भगवान के प्रति हो सकता है। और ये जो हमारा समर्पण रहता है, इसमें किसी काम की हमको कोई लालच नहीं रहता है, ये निष्काम होता है और निस्वार्थ होता है, यही होती है हमारी भक्ति। भक्ति के मार्ग भी बहुत सारे हैं लेकिन मंजिल एक ही है। जो भक्त है वो ना ही उलझता है और ना ही चिंता करता है, वह सिर्फ एक ही अपना निराकार ब्रह्म को पूजते जाता है और उसको अपना बना लेता है। तेरे मेरे का उसमें बिल्कुल भी भेद नहीं होता है, रंग समाज इसका कोई भी उसमें भेद नहीं होता है। जहाँ पर तेरे मेरे का भेद होता है उतने ही अंश वह पिछड़ जाता है, मतलब भक्ति से पिछड़ जाता है। और जैसे जैसे तेरे मेरे भेद का समापन होने लगता है वह अग्रसर भक्ति के ओर समीप पहुँचता जाता है। वह सोचता है जो तू है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह तू है। और ये जब वो समझ लेता है तब उसके अंदर भक्ति भावना जागृत हो जाती है। भक्त के लिए सही क्या और गलत क्या, वह निराकार भाव से भगवान को पूछते जाता है। उसके लिए सृष्टि का हर एक प्राणी भगवान हो जाता है। उसके लिए जीवन का जो भी कर्म है वो सिर्फ पूजा भाव में समर्पित हो जाता है। उसको कर धरती के कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। जब वो भगवान की मंदिर में पूजा करता है, जितने शुद्ध भाव से वो पूजा करता है उतने ही शुद्ध भाव से भगवान उसके साक्षात प्रकट होते हैं। और यही होती है सच्ची भक्ति। आप सच्चे भक्त के रूप में ले सकते हैं मीराबाई सूरदास कबीरदास जी को, जो कि मीराबाई को तो साक्षात प्याले में श्री प्रभु ने दर्शन दिए थे, श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। और सूरदास जी जो कि अंधे थे उनको भी भगवान ने उनकी मन रूपी आँखों में दर्शन जरूर दिए थे, क्योंकि वो सच्चे भक्त थे। और जो बात आता है कि भक्ति, तो भक्ति का जो टॉपिक है बड़ा ही कठिन है, भक्ति का रास्ता बड़ा ही कठिन है। लेकिन एक बार यदि आप चले जाते हैं तो उसमें गलत क्या सही क्या आपको कुछ भी नहीं पता रहता है, और आप निराकार प्रभु के दर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। बात जब भक्ति की चल रही हो तो पवन सूत का नाम अर्थात हनुमान जी का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके जैसा सच्चा भक्त ना ही हुआ है ना ही कभी होगा। जो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने राम जी की ऐसी भक्ति की कि उनको उन्होंने दिल में समा लिया था, अर्थात उनकी जो छवि थी उनके दिल में बस चुकी थी। अब बात करते हैं साधना की, मंत्र साधना की, तंत्र साधना की। तो देखिए, ऐसा है जो व्यक्ति मंत्र साधना वगैरह करते हैं तो उनको जो सिद्धि है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। जैसे अभी हम बात करें तो बोलते हैं 40 दिन की, 60 दिन की, या हम मान लें साल भर में उसको एक ना एक सिद्धि जरूर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो भक्ति थी उसमें ऐसा नहीं है, भक्ति के लिए सालों साल लग जाते हैं, भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। हालांकि जो साधना है वो आसानी से सद जरूर जाती है और ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। भक्ति लोभ रही थे, लेकिन साधना में हमको एक चीज़ का लोभ जरूर रहता है कि मैं याली साधना कर लूँगा तो मैं याला काम कर सकता हूँ या मेरे याले काम निपटा सकता हूँ, जबकि भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं था। भक्ति जो होती है वो अनन्य निराकार प्रभु के लिए लीन हुआ जाता है उसमें, और जो साधना है साधना में भी लीन हुआ जाता है लेकिन अपने व्यक्ति विशेष काम के लिए। यदि आपको किसी प्रकार का काम है तो आप उस साधना को करते हैं। जैसे आपको धन चाहिए तो आप वो धन के लिए जो भी मंत्र है आप उसका अनुष्ठान वगैरह करते हैं, और ताकि जो धन है उसका आगमन हो सके। तो ये आपका यहाँ पर एक लोभ होता है जो आप साधना वगैरह करते हैं। साधना करते तो आप प्रभु से कुछ चाहते हैं। साधना तब कठिन हो जाती है जब आप किसी वीर वगैरह की साधना करते हैं, जैसे भैरव की साधना करते हैं या श्री हनुमान जी की साधना करते हैं, तब आपके लिए यह कठिन हो जाता है, क्योंकि हर कोई याली साधनाएं नहीं कर पाता है। इसमें आपको ऐसे कुछ अनुभव होते हैं जिसके लिए आपका जो दिल है वो बहुत ही ठोस होना चाहिए। जो नरम दिल वाले व्यक्ति या जो जिनको जल्दी से
की ऐसी चीज़ें देखकर उनको दहशत बढ़ जाती है, तो वो ये वाली साधना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक जो साधना का है ये नेगेटिव पॉइंट है कि हर कोई व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है। ये वीरों की जो भी साधना कहलाती है याली साधना है, हर कोई नहीं कर सकता है। यदि करना भी है तो आप बिल्कुल गुरु से दीक्षित होकर कीजिए, क्योंकि जो गुरु है वही सिर्फ उभार सकते हैं, और वो भी गुरु वो जिन्होंने याली साधनाएँ की होगी। जिन्होंने नहीं किए, पहली बात तो वो आपको बताएंगे नहीं जिन्होंने नहीं की याली साधनाएँ, और यदि की होगी तो बताएंगे। साधना करना एक तलवार पर चलने जैसा होता है, क्यों? क्योंकि यदि ज़रा सा आपका पैर वगैरह फिसला तो आप कट गए। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब साधना आप करने बैठते हैं तब आपको बहुत सारे नियम धियम से करना पड़ती है। जो साधना जो भी रहती है आपको, क्या जैसे भैरव की साधना में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, या आपको नरसिंह वीर की साधना आप कर रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, यदि आपके पास पहले से ये मौजूद नहीं रहेगी तो आपके लिए खतरा हो सकता है या आपकी साधना होगी नहीं पूरी। जबकि भक्ति में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था, भक्ति आप निराकार ब्रह्म की कैसे भी कर सकते हैं, सही गलत का उसमें कुछ भी नहीं था। आप कैसे भी बिना नहाए भी आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु में लीन हैं उस समय। लेकिन साधना में ऐसा नहीं है, आपको साधना में पूरा शुद्ध होना पड़ता है। रोज़ आपको दो दो बार नहाना पड़ता है और मंत्र जाप वगैरह करना पड़ते हैं, और अनुष्ठान जो चलते हैं उसमें भी आपका बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खंडित माना जाता है और जो साधना होती है वो आपकी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने आपको साधना और भक्ति के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और हाँ, एक बात ये बताना चाहता हूँ, यदि आप दोनों में से चाहें तो आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं और यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करवा सकते हैं। यदि आपको उतरना ही है साधना में तो आप, और यदि आपको उतरना है साधना में और आप चाहते हैं कि मैं साधना में आगे जाऊँ, तो किसी योग्य गुरु को आप गुरु बना लीजिए और स्लो डाउन से साधना चालू कीजिए। अभी हमारे जो पेज है, हमारा जो ग्रुप है, उसमें भी साधनाओं का दौर चलेगा, तो उसमें हम साधनाएं पोस्ट भी करेंगे और यूट्यूब के जरिए हम साधनाओं को बिगनर लेवल से, मतलब जो अभी अभी साधना करना चालू करना आपको कैसे करना है, जो फर्स्ट व्यक्ति उनको कैसे करना है साधना, तो इस बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल मंत्रों की दुनिया से जुड़े रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई सी कमेंट हो, आपके मन में कुछ विचार हो कि क्या क्या नहीं, तो आप हमको ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।